एक बहुत लंबे अरसे समय बाद आपने बतौर पत्रकार जो है बुलाया है, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ नया नांगल चौधरी के लिए होने जा रहा है, या कुछ आप आज हमें नई ऐसी चीज़ बताएंगे जो इलाके के लिए और इलाके वासियों के लिए कुछ नई होगी। देखिए, नया तो इस नांगल चौधरी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो आपने देख लिया, नया तो कुछ ना कुछ होता रहता है समय समय, जी और ये उम्मीद रखिए कि कुछ ना कुछ जरूर होता रहेगा। जब तक हम हैं, हमारी सरकार है, तब तक नांगल चौधरी में विकास के काम रुकेंगे नहीं, नई नई चीज़ें होती रहेंगी। सर, पिछले दिनों जो विधानसभा का सत्र था उसमें आपने जिस प्रकार से अपनी बात रखी, वो आपने हल्के की बात ना रखी और आपने हरियाणा स्तर पे बात रखी, विशेष तौर पे किसान आंदोलन वाले मुद्दे पे आपने बात रखी, तो क्या उसको लेके आपके मन में रहा जो आपने इतनी पूरी विस्तार पूर्वक उस बात को रखा, और वो भी उन परिस्थितियों में जब उस मुद्दे पर आमतौर पे सत्ता पक्ष का कोई भी नेता बोलने से कतरा रहा था। देखिए, विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर विधायक को बोलने का मौका मिलता है, और जब विधानसभा में कोई मुद्दा आता है तो हर व्यक्ति अपना अपना विचार, अपनी जो उस मुद्दे पर अपनी राय है वो रखता है। तो मेरी भी जो विचार थे, जो मुद्दा था उस मुद्दे पे, मेरे जो विचार थे वो मैंने रखने की कोशिश की। विधानसभा क्षेत्र नांगल चौधरी में आपको एक तरह से अगर देखा जाए जनता की नज़र में विकासशील व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो इस तरह की जो विचारधारा आपकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कोई विचारधारा नहीं है, ये एक जन प्रतिनिधित्व की परिभाषा में अगर आप बात करें तो हर जन प्रतिनिधि की एक कोशिश रहती है कि उसके क्षेत्र में विकास हो, उसके क्षेत्र की आवश्यकताओं पर सरकार विचार करे, उनका समाधान निकाले, तो उसी श्रृंखला में लग रहे हैं। और मैं कोई पेशेवर राजनीतिक तो था नहीं, मुझे जो मेरी कुछ भावनाएं इस इलाके से जुड़ी हुई हैं, मेरे को मौका मिल गया और मैं काम करता रहा। जिस तरह से देखा जा रहा है, हाईवे जो है एक तरह से पूरी तरह से लाइन अच्छी तरह से बिछा दी गई है। एक समय ऐसा था कि यहाँ से गुजरना भी थोड़ा गलत हो जाता था कि रोड इतने बेकार थे, लेकिन आपके कार्यकाल में एक अलग ही प्रगति मिली है। क्या आने वाले समय में यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की पहचान बनने वाली है क्या क्षेत्र? देखिए, जहाँ तक हाईवे की बात है, हाईवे हमारी सरकार की, हमारी जो केंद्रीय सरकार है, उस सरकार का एक विशेष अभियान है कि सारे हिंदुस्तान में रोडों का जाल बिछाया जाए। उसमें माननीय गडकरी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो बड़ी तेज़ी से इस दिशा में काम कर रहे हैं, और उसी श्रृंखला में हमारे यहाँ ये रोड नेटवर्क किया है। और जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, तो आप तो सारे समझदार आदमी हैं, आधारभूत ढांचा जब मजबूत हो जाता है तो विकास तो अपने आप आता है। तो अब इस क्षेत्र में जहाँ तक आधारभूत ढांचे की बात है, ये फ्रेट कॉरिडोर हमारे यहाँ से रेलवे का जा रहा है, लॉजिस्टिक हब उस पर बन रहा है, और नेशनल हाईवे, 3 नेशनल हाईवे हमारे इलाके में आ गए, तो बढ़िया शांतिपूर्वक इलाका है, इंडस्ट्रियल जो जिस तरह का एटमोसफियर होना चाहिए उस तरह का है, तो अपने आप आएंगे इंडस्ट्री, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, धीरे धीरे समय के साथ साथ अपने आप आएंगे। सर, आपने चुनाव के समय में कहा था कि नांगल चौधरी क्षेत्र को गुड़गांव और फरीदाबाद की तरफ पर विकास करवाएंगे, तो सड़कें तो आ गई हैं, इंडस्ट्रियां अभी इधर उधर नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि आधारभूत ढांचा जब मजबूत हो जाता है तो विकास आता है, इंतजार कीजिए, सब कुछ होगा। आप शिक्षा विभाग से भी जुड़े थे, प्रोफेसर भी थे, सारे काम थे, अभी जो स्कूलें बंद करी हैं हरियाणा सरकार ने, या मर जो सबसे ज़्यादा आपकी विधानसभा में कहाँ चूक रही है आपकी, ये प्रदर्शन हो रही है? देखिए, ये किसी व्यक्ति विशेष की चूक की बात नहीं है, ये परिस्थिति जन्य है, हालातें जिस तरह की हैं। अब आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों से, पिछले लगभग एक दशक से, प्राइवेट स्कूलों का जो प्रभाव है वो इतना तेज़ी से बढ़ा है कि प्राइवेट स्कूल्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को एक तरह से अपने आगोश में ले लिया है, और इसलिए स्कूलों में जहाँ बच्चों की संख्या बहुत कम रह गई, दो दो तीन तीन बच्चों की जहाँ स्कूल रह गई, उन स्कूलों पे
इतना पैसा व्यर्थ करना, वो मैं समझता हूँ कि उसमें विचार करना सरकार के लिए ज़रूरी था। जब भी जहाँ बच्चे जिस स्कूल में होंगे दोबारा खोल देंगे, हमारा तो ये प्रयास है। मैं तभी भी लोगों को कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में बच्चे दाखिल कराओ, बच्चे जब दाखिल हो जाएंगे तो स्कूल खोल देंगे। लेकिन लोगों की रुचि अब प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा है, और इसके कारण तो बहुत हो सकते हैं, वो तो बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन फिलहाल ये बात है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की हाजिरी कम है। विकास के नाम पे सर, एक जैसे कि अभी आपने सर्वे किया था, अभी जो अपने हिल क्षेत्र के अंदर जहाँ पे आपने झील बनाने का एक जो तैयार किया है सिस्टम, क्या वो सर एक दार्शनिक झील रहेगी या फिर उससे कोई इस क्षेत्र के लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है? देखो, बेनिफिट तो हमारा सबसे प्राइम मोटिव तो है रिचार्ज का जी। रिचार्ज के लिए पानी बरसात का इकट्ठा किसी भी सूरत में धरती के अंदर पहुंचाना, वो हमारा लक्ष्य है। और एक नहीं अनेकों रिचार्ज के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं। जहाँ तक ये जो जिस झील की बात कर रहे हो, ये एक दो पहाड़ों के बीच में एक बरसाती नाला है, उस नाले पर बांध बनाने का अभी योजना है। अगर उस सिरे चढ़ जाती है तो काफ़ी पानी इकट्ठा होगा उसमें, उसमें रिचार्ज भी होगा और पहाड़ों के बीच में है वो दर्शनीय भी होगा, काफ़ी सुंदर होगा। जैसे कि आपने पानी के बारे में बात बताया, तो क्षेत्र के कुछ से ऐसे गांव रह गए जिनमें अभी भी पानी नहीं पहुंच पाया है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोशिश है सरकार की हर गांव में पानी पहुंचाने की। आगे धीरे धीरे हर चीज़ का ज्यों ज्यों विस्तार होगा योजनाओं का, कोशिश करेंगे हर गाँव में पानी पहुँचे। आपके चार प्रोजेक्ट बड़े थे, एक नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट था, एक नहरी पानी का प्रोजेक्ट था, एक मेडिकल का था, एक हब का था। दो प्रोजेक्ट ग्राउंड में पूरी तरह से लोगों के सामने आ गए, काम भी करना शुरू कर दिया गया है। हब का और मेडिकल का कब तक किया? देखिए, मेडिकल कॉलेज का आपने जाके मौके पे देखो, दिन रात काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले एक साल में बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी, काफ़ी ऊंचे लेवल पे चलेगी ये बिल्डिंग। और जहाँ तक लॉजिस्टिक हब की बात है, इस पे काम आधारभूत ढांचे पे काम हो गया है। पानी जो यहाँ से जो रॉ वाटर ले जाना था कैनाल से, उसका टेंडर हो गया, उस पर काम अगले महीने तक शुरू हो जाएगा। रोड का टेंडर हो गया है, जो नेशनल हाईवे से जोड़ने वाला रोड है उसका टेंडर हो गया है, अगले महीने की 11 तारीख को टेंडर खुलेगा। और बिजली का जो डेरुले ईर से स्पेशल लाइन लानी है उसका टेंडर हो गया, उस पर काम शुरू हो गया, तो सारे काम शुरू हो गए। रेलवे ने भी कुछ लैंड एडिशनल कुछ एक्वायर करनी थी, उसका नोटिफिकेशन डीआरओ के पास आ गया है, तो जो डाबला से रेलवे लाइन जो जुड़नी है उस पर भी काम शुरू हो गया, तो काम शुरू हो गया। अभी आपकी सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि स्थानीय युवाओं चित्र पोषण का, तो अगर हब बनता है, चल रहा है काम, उसमें शुरू से ही ये प्रोसेस चलेगा या फिर? नहीं, देखिए, जहाँ भी कोई सरकारी प्रोजेक्ट आता है उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिलता है, तो रोजगार मिलेगा। बात करते हैं सर, जैसे खनन चला हुआ है यहाँ से, काफी सारे और खनन चले हुए हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खनन जो सरकार ने जो लीज और कॉन्ट्रैक्ट जो दे रखे हैं, जो ऑक्शन की है, उसके भी कम से कम अकेले नांगल चौधरी हल्के में 6-7 जगह माइनिंग हो रही है, वो तो लीगल माइनिंग है। अवैध माइनिंग इक्की दुक्की कोई छोटे मोटे स्तर पे होती होगी, तो जब भी पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होता है, पर कोई बहुत लार्ज स्केल पे अवैध माइनिंग हो रही है ऐसा मुझे नहीं लगता। सर, एक छोटा सा मुद्दा इससे हट करके, सबसे उस दिन पहले नांगल चौधरी जो है तहसील कार्यालय में जो एडवोकेट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे सब डिवीजन को लेकर के, उसके बाद काफ़ी राजनीति हुई, लोग कहे कि हम डिप्टी सी एम से मिलते आए हैं, ज्ञापन दिए हैं, आकर के आश्वासन दिया, उसके बाद एडवोकेट्स का जो है प्रोटेस्ट वो भी खत्म हो गया है, तो क्या माना जाए, सब डिवीजन आने की कुछ आशंका है या फिर सिर्फ राजनीति का नहीं? नहीं, प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, तो सब डिवीजन तो आ ही रहा होगा, तभी प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है। वैसे मैं बता दूँ आपको कि प्रक्रिया में है और बड़ी जल्दी ही इसके बारे में शुभ सूचना मिलेगी। थैंक यू सर। ओके।